बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक यानी वाइमर गणतंत्र का जन्म। लेट्स स्टार्ट। तो 28 जुलाई 1914 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला। इसमें एक तरफ था सेंट्रल पावर्स जिसे मेनली जर्मनी और ऑस्ट्रियन एम्पायर्स थे, और दूसरी तरफ अलाइज थे जिसमें मेनली शामिल थे इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। 1917 में यूएस ने भी इसमें एंट्री मारी और अलाइज का साथ दिया, जिसके कारण फाइनली जर्मनी हार गया और नवंबर 1918 को सरेंडर करना पड़ा जर्मनी को। तो अब देखते हैं कि युद्ध के बाद जर्मनी में क्या हुआ। तो जर्मनी में राजा को हटा दिया गया और जर्मनी में वाइमर नामक प्लेस में नेशनल असेंबली हुई, जहां पर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी प्रजातांत्रिक संविधान की स्थापना की गई, यानी राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। वहां पर जर्मन पार्लियामेंट जिसे रिस्टैग कहा गया था, उसके लिए इलेक्शन करवाया गया। इलेक्शन में सभी नागरिकों को, यहां तक कि महिलाओं को भी, वोट देने का अधिकार दिया गया। और यह जो नई सरकार बनाई गई वाइमर में, इसी सरकार नई सरकार को वाइमर रिपब्लिक कहा गया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इस वाइमर रिपब्लिक सरकार को देश की सभी जनता पसंद नहीं करती थी। तो ये तो हुई जर्मनी की कहानी कि जर्मनी में क्या हुआ। अब देखना है कि अलाइज जर्मनी के साथ क्या करते हैं। तो वर्ल्ड वार में हारने के बाद फ्रांस के वर्सेल्स में सेंट्रल पावर्स और अलाइज के बीच ट्रीटी होती है, यानी संधि होती है। इस ट्रीटी में जर्मनी कभी भी ताकतवर देश न बन पाए, इसके लिए अलाइज ने बहुत ही हार्श ट्रीटी यानी कठोर संधि जर्मनी के साथ किया। जर्मनी का सारा ओवरसीज कॉलोनीज उसके हाथ से निकल गया। जर्मनी का 10% पॉपुलेशन फिनिश कर दिया गया। 13% जर्मनी का एरिया चला गया। 75% आयरन चला गया। 26% कोयला अलाइज ने ले लिया। जर्मनी के मिलिट्री पावर को कम कर दिया गया। जर्मनी को वार के लिए दोषी ठहराया गया और वार में जो नुकसान हुआ उसके एवज में 6 बिलियन मनी मुआवजे के रूप में, यानी कंपनसेशन के रूप में देना पड़ा। जर्मनी का इम्पॉर्टेंट एरिया राइनलैंड भी छीन लिया गया। चूँकि गवर्नमेंट वाइमर रिपब्लिक की थी, तो वाइमर रिपब्लिक ने ही ट्रीटी को एक्सेप्ट किया और ट्रीटी पर साइन किया। बहुत ही शर्मनाक ट्रीटी का ट्रीटी था ये, जिस पर वाइमर रिपब्लिक ने साइन किया। और यही कारण था, इसीलिए लोग वाइमर रिपब्लिक को पसंद नहीं करते थे। यह कारण था कि क्यों लोग वाइमर रिपब्लिक को पसंद नहीं करते थे।